विनय आज अपने पिता से बात भी कर पा रहे हैं। अब विनय के चेहरे पर सुकून है क्योंकि उनके पिता को अब पूरा इलाज मिल पा रहा है। दरअसल विनय शर्मा के पिता को अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ और अपने पिता के ब्रेन हेमरेज की खबर पाकर आपात स्थिति में देहरादून जा रहे उत्तराखंड के विनय शर्मा को पता नहीं था कि फोन पर इस बारे में बात करना उनके लिए कितना मददगार साबित होगा। विनय विमान में पिता की स्थिति के बारे में जब बात कर रहे थे तो उसी समय विमान में मौजूद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सारा मामला सुन लिया और तुरंत संबंधित अस्पताल से सीधी चर्चा कर उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था कराई। विनय शर्मा बताते हैं कि उनके पिता को अगर वक्त पर इलाज नहीं मिलता तो कोई भी हादसा हो सकता था। मुझे तो यकीन भी नहीं आता कि यूनियन मिनिस्टर हेल्थ के जो हैं, मतलब आपके लिए हेल्थ के सबसे बड़े आदमी कह सकते हैं इस समय, वो अगर इतना इनिशिएटिव ले सकते हैं तो हर कोई ले, तो शायद हर कोई मेरी तरह लकी हो सकता है या मेरे फादर की तरह लकी हो सकता है। वहीं वसीम एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का सहारा मिला। देहरादून के वसीम के 5 साल की बेटी जो थैलेसीमिया से पीड़ित है, वसीम उसके इलाज के लिए भटक रहे थे। अब स्वास्थ्य मंत्री की मदद से उनकी बेटी का इलाज एम्स में होगा। एम्स में गए थे, वहाँ 2.5 साल का टाइम मांग रहे हैं। लेकिन अभी नड्डा जी ने क्या कहा? जी वो कह रहे हैं कि हम कराएंगे। जाहिर है विनय और वसीम जैसे देश के आम आदमी का हौसला दोगुना हो जाता है जब सरकार और खुद मंत्री संकट के वक्त उनके साथ खड़े नजर आते हैं। नितेन सिंह, DD News, दिल्ली।